हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सभी आप लोग दोस्तों? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे भी होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बाइक के हेडलाइट के बारे में, क्योंकि दोस्तों कुछ बाइक ऐसी होती हैं जिनकी हेडलाइट की रोशनी है बहुत ज़्यादा कम होती है, और कुछ बाइक लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें लाल रोशनी पसंद नहीं होती। जो लाल हैलोजन का बल्ब होता है उन्हें पसंद नहीं होता। तो मेरे पास दोस्तों ये LED बल्ब है, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा रोशनी है, सबसे हाई रोशनी वाला बल्ब है। तो अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा किस तरीके का बल्ब है और इसके कनेक्शन कैसे देने होते हैं, किस तरीके से फिट करना है। रोशनी भी चेक कराऊंगा आपको कि किस तरीके की इसमें रोशनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा अभी एक काम करना है आप लोगों को, जाकर दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि दोस्तों बाइक से रिलेटेड A to Z जानकारी देता हूं मैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम इसका बल्ब निकालते हैं, दिखाते हैं दोस्तों किस तरीके का बल्ब है ये। तो सबसे पहले इसका दोस्तों पैकेज देख लें आप लोग, ये देखिए। तो निकालते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके का ये बल्ब है। देखिए, इसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों इस तरीके का बल्ब है, आप लोग ठीक से देख लें इसे। दोस्तों इसमें 4 LED होती हैं, ये देखिए। और दोस्तों ये जो होल्डर होता है उसमें आसानी से लग जाता है, ये सॉकेट होता है जिसमें हैलोजन का बल्ब लगता है, इसमें आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों हम इसकी रोशनी की बात करेंगे, रोशनी इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा है, अभी जलाकर दिखाएंगे आपको कि कितनी रोशनी है। और दोस्तों इसकी एक खास है दोस्तों इसमें, और ये दोस्तों कलरफुल बल्ब है, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे कलर हैं। इसमें दोस्तों सफ़ेद रोशनी भी है और दोस्तों इसमें कई सारे कलर भी हैं, जो दोस्तों बहुत हेडलाइट अच्छी लगती है देखने पर रात में। तो अभी आपको जलाकर दिखाएंगे कि इसमें कितने कलर हैं और सफ़ेद रोशनी कितनी है इसमें, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद रोशनी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई रोशनी वाला बल्ब है ये और कलरफुल बल्ब है ये। इसकी खास है दोस्तों, मुझे इसलिए बल्ब ही अच्छा लगा क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे कलर हैं, जब आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो दोस्तों एक कलर जलेगा, यानी कि हर बार ऑफ करके ऑन करेंगे तो दोस्तों इसमें कलर चेंज होते रहेंगे। और अभी दोस्तों जला कर दिखाएंगे कि इसमें कितने कलर हैं और कितनी रोशनी है। और दोस्तों एक बात दोस्तों आपको और बता दें, ये बाइक में DC करंट देना होता है इसे। जो बाइक का दोस्तों हैलोजन का बल्ब है वो तो दोस्तों डायरेक्ट लगाओ होल्डर में और जल जाता है, इससे दोस्तों DC कनेक्शन देना होता है, यानी कि एक तार दोस्तों DC देना होता है, तब दोस्तों ये जलता है बल्ब। तो मैं अभी आपको कनेक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, बस बता दूंगा किस तरीके से कनेक्शन इसके करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसे जलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 12 वोल्ट का ये बैटरा है, अब हम दोस्तों इसे बैटरी से जलाकर दिखाएंगे। ये रहा बल्ब और दोस्तों ये रहे इसके दो तार, ये दो तार हैं, ये दोस्तों निगेटिव तार हैं, ये पॉजिटिव तार है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। इसमें 3 खूंटी लगी होती हैं, तो दोस्तों ये वाली खूंटी है वो निगेटिव है यानी कि जो माइनस वाली है, और ये दोनों खूंटी हैं वो प्लस की हैं यानी कि पॉजिटिव की हैं। तो दोस्तों ये निगेटिव तार है यानी कि माइनस वाला तार है, तो हम इस खूंटी में ये लगा लेते हैं ये इस तरीके से। अब ये दोस्तों पॉजिटिव वाला तार है, तो ये वाला दोस्तों ये खूंटी देख रहे हैं, ये है सफ़ेद रोशनी खूंटी, ये सफ़ेद रोशनी की है। तो हम इसे दिखाएंगे जलाकर, अभी ये इस तरीके से लगाएं तार। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा हाई रोशनी है। तो दोस्तों ये तो रहा सफ़ेद रोशनी वाला पॉइंट, अब दिखाएंगे दोस्तों ये कलर वाला पॉइंट। ये देखिए ये दूसरी खूंटी है दोस्तों, ये भी पॉजिटिव है, ये देखिए। यानी कि जितनी बार दोस्तों ऑफ करके ऑन करोगे उतनी बार दोस्तों ये कलर चेंज करेगा, ये देखिए। अब दोस्तों इसे हटा लेते हैं, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर ये तो कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों ये कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए। दोस्तों बाइक में जो लगता है हेडलाइट में जब रात होती है, तो दोस्तों रात में ये कल ये जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दोस्तों हटाकर दोबारा लगाएंगे, ये देखिए। आपको दोस्तों शुरू से कलर गिनाते हैं, एक कलर ये रहा, दूसरा कलर दोस्तों ये रहा, इसमें 2 कलर ऑन ऑफ हो रहे हैं, और तीसरा कलर ये रहा। दोस्तों इसमें कई सारे कलर हैं, ये बल्ब है दोस्तों कलरफुल बल्ब है, इसमें दोस्तों रोशनी भी होती है और दोस्तों इसमें कलरफुल रोशनी है वो भी चलती है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से कहें दोस्तों 2-in-1 बल्ब है ये रोशनी वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रोशनी है। अगर 5 सेकंड कोई देख लेता है तो दोस्तों आगे का दोस्तों कुछ दिखाई नहीं देता है, ये देखिए
ये कलरफुल है। दोस्तों जब आप लोग हेडलाइट में ये बल्ब लगाएं तो डीसी कनेक्शन देना होता है, यानी कि एक तार है वो दोस्तों बैटरी से लगाना होता है इसे, यानी कि दोस्तों 12 वोल्ट का करंट से देना होता है। दोस्तों ये वाला पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखिए, और रात में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। अभी दिन है दोस्तों, दिन में दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, और रात में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पॉइंट है, ये रोशनी का है, सफ़ेद रोशनी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है इसमें। दोस्तों मैंने अभी ये बल्ब जलाकर दिखाया, बल्ब कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में बता देना। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो डीसी कनेक्शन दिया जाता है। दोस्तों जब आप लोग हेडलाइट में बल्ब लगाएं तो एक तार दोस्तों वो डीसी लगाया जाता है इसमें, यानी 12 वोल्ट का करंट दिया जाता है इसमें। डायरेक्ट दोस्तों ये सॉकेट होता है उसमें लगाकर नहीं चलता ये, क्योंकि दोस्तों ये डीसी बल्ब है, इसलिए दोस्तों इसे डीसी 12 वोल्ट का करंट देना होता है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, अभी ये जो तीन खूंटी हैं ये वाली दोस्तों नेगेटिव है, ये देखिए दोस्तों ये वाली है वो नेगेटिव है, बाकी ये दो हैं वो पॉजिटिव है। एक पॉइंट है यानी कि एक खूंटी है वो सफ़ेद रोशनी की है, और एक खूंटी ये देख रहे हैं दोस्तों एक जो पिन है, यानी कि दोस्तों इसमें तीन पिन होती हैं, इसमें दोस्तों ये तीन पिन होती हैं। ये वाली पिन है वो दोस्तों निगेटिव पिन है, एक तार दोस्तों निगेटिव देना होता है यानी कि अर्थिंग का देना होता है, बाकी ये दो तार हैं वो पॉजिटिव तार हैं यानी कि गर्म तार हैं यानी प्लस वाले। तो दोस्तों एक इसकी पिन होती है वो होती है सफ़ेद रोशनी की, और जो दूसरी पिन होती है वो दोस्तों होती है कलर वाले पॉइंट की। तो दोस्तों ये कलरफुल बल्ब है, इसमें रोशनी भी है और इसमें कलर भी है। तो दोस्तों बल्ब कैसा लगा तो एक बार कमेंट में बता देना मुझे कि किस तरीके का बल्ब है। बल्ब पसंद आया तो एक लाइक कर दें। दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दोस्तों ऑल पे कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों अगर इससे भी हाई रोशनी वाला कोई बल्ब होता है तो उसकी भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।